उस बिजोके की रहस्यमयी मुस्कुराहट को देखकर मारुति राव और शंकर राव एक दूसरे की ओर देखने लगे। ज्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें धनवान बनने का एक अवसर दे रहा हूँ और तुम दोनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे हो। क्या तुम्हें ये जीवन पसंद है जिसमें तुम्हारे परिवार को कभी कभी रात का भोजन भी नसीब नहीं हो पाता? लेकिन तुम हमें धनवान कैसे बना सकते हो? तुम दोनों को मेरे बताए हुए स्थान पर जाना होगा और वहाँ से एक कीमती वस्तु उठाकर मुझे ला कर देनी होगी। हम तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझे। हम दोनों को तुम कहाँ भेजना चाहते हो? क्या तुम दोनों ने कान्यम जंगल का नाम सुना है? कान्यम जंगल का नाम सुनकर मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अरे वो जंगल तो बहुत ही खतरनाक जंगल है। सुना है कि वहाँ के जंगली जानवर बड़े ही खतरनाक हैं। और तो और, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उस जंगल में भूत प्रेत पिशाचों का साया भी है। जो भी इंसान आज तक उस जंगल में गया है वो बचकर नहीं लौटा। क्या तुम हम दोनों भाइयों को मरवाना चाहते हो? ये है सत्य कि उस जंगल में जाकर कोई भी इंसान जीवित नहीं लौटा, लेकिन तुम दोनों जीवित लौटोगे। इतना कहकर उस बिजुके ने अपने शरीर से एक छोटा सा हीरा निकालकर मारुति राव के हाथ में दे दिया। वो हीरा रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। ये कोई साधारण हीरा नहीं है मारुति, ये एक चमत्कारी हीरा है। जब तक ये हीरा तुम्हारे पास रहेगा तुम दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन हमें वहां से उठाकर क्या लाना होगा? तुम दोनों उस जंगल की ओर निकल जाओ, ये हीरा तुम्हें रास्ता दिखा देगा। और जब जब तुम उस असाधारण वस्तु के करीब पहुंच जाओगे, ये चमत्कारिक हीरा नीली रोशनी से जगमगाने लगेगा और उसकी नीली रोशनी उस असाधारण वस्तु पर पड़ने लगेगी। तुम समझ जाना कि तुम्हें वही वस्तु को उठा कर लाना है। और अगर उस जंगल में तुम्हारे सामने कोई भी अलौकिक विपत्ति आए तो इस हीरे को निकाल कर उसके सामने रख देना। वो इस हीरे की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम तुम्हारी बात ना माने तो? ये हीरा तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से अब स्पर्श कर लिया है। अब तुम दोनों चाह कर भी अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। अगर तुमने अपने कदम पीछे हटाने की सोची तो अगली सुबह तुम दोनों का परिवार जीवित नहीं रहेगा। तभी एक तेज धमाका हुआ। वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। अचानक उस बिजुके के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी की किरणें फूटने लगी और वो बिजुका वहां से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मारुति राव की पत्नी कंचन वहां पर आ गई। मैं उस रहस्यमयी बिजुके की सारी बातों को सुन रही थी। तुम दोनों किसी भी हाल में कान्यम जंगल की ओर मत चले जाना, वरना तुम दोनों को खतरा हो सकता है। शंकर राव की पत्नी आंखों में आंसू लिए हुए बोली, भौजी सही कह रही हैं जी, वो जंगल बहुत ही खतरनाक है। अब हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते चमकी। उस बिजुके ने हमें धमकी दी है कि अगर अब हमने अपने कदम पीछे किए तो तुम सबकी मौत निश्चित है और हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। शंकर सही बोल रहा है चमकी, हमें जाने दो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तुम दोनों के लिए प्रार्थना करो। हो सकता है कि उस बिजोके की बात सही हो, हम सब इस गरीबी से निकलकर धनवान बन जाएं। मारुति राव और शंकर राव अपने घर से बाहर निकल गए। वो सीधे उस जंगल की ओर चल दिए। कान्यम जंगल एक बहुत ही घना जंगल था। आवलापुर गांव के लोगों का मानना था कि उस जंगल में डाकुओं का और जंगली जानवरों का खतरा रहता है और इसी डर के कारण कोई भी गांव वाला उस जंगल की तरफ नहीं जाता था। वो दोनों काफी देर तक पैदल चलते रहे कि तभी अचानक से उनके सामने रत्नाताई आ गईं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कहीं उस बिजुके ने कान्यम जंगल से उस वस्तु को लाने के लिए तो नहीं कहा है ना? आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। मेरी बात मानो, तुम दोनों अपने कदम पीछे कर लो। उस बिजुके ने हमें धमकी दी है। अगर आप उस बिजुके के बारे में सब कुछ जानती थी तो आपने हमारी पहले सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी तुम्हारे सामने आएगा।
ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। अगर हम तुम्हारी बात मान ले रत्ना ताई, तो क्या हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा? तुम्हारे परिवार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव अवश्य सुरक्षित रहेगा। इसकी बातों में मत आओ, इसे हमारे परिवार के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, उस बिजुके ने हमें धमकी दी है, कहीं हमारे परिवार को कुछ हो गया तो रत्ना ताई का क्या जाएगा? ये तो स्वयं जंगल में रहती हैं, इन्हें किसी के जाने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जल्दी चलो, हमें किसी भी हाल में सुबह तक उस कीमती वस्तु को लेकर आना ही होगा। रत्ना ताई ने मारुति राव और शंकर राव को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उन दोनों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कुछ ही घंटों बाद दोनों कानियम जंगल के अंदर खड़े थे, जहां अजीबो गरीब प्रकार के वृक्ष लगे हुए थे। तभी उन दोनों के सामने एक मोटा सा वृक्ष चलने लगा। ये देखकर दोनों भाई बुरी तरह से डर गए। उस वृक्ष ने एक असाधारण खतरनाक दिखने वाली आकृति धारण कर ली थी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों को नहीं पता कि इस जंगल में जो भी आता है वो जीवित नहीं जा पाता? भैया जल्दी से उस चमत्कारी हीरे को निकाल लीजिए, नहीं तो ये अजीब सा दिखने वाला वृक्ष हम दोनों के प्राण ले लेगा। शंकर राव के कहने पर मारुति राव ने वो चमत्कारी हीरा निकाल लिया। उसमें से अजीब सी रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी। कुछ ही देर में वो वृक्ष अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। इसका मतलब वो बिजू का सही बोल रहा था शंकर, ये असाधारण शक्तियों का हीरा है। तभी उस हीरे से लाल रंग की रोशनी निकली, जो जंगल की सीधी दिशा में चली गई। मुझे तो लगता है कि ये हीरा हमें रास्ता दिखा रहा है। सही कह रहे हो, चलो चलते हैं। वो दोनों उस रोशनी की दिशा में बढ़ने लगे। कुछ ही देर बाद वो रोशनी एक तालाब के पास जाकर समाप्त हो गई। यहाँ तो सिर्फ एक तालाब है, इसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन इस हीरे की किरणें यहीं पर आकर समाप्त हुई हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पर जरूर होगा, हमें ढूंढना चाहिए। तभी उस तालाब से एक बड़ा सा मगरमच्छ निकलकर उन दोनों के सामने आकर घूरने लगा। उस मगरमच्छ को देखकर वो दोनों भाई बुरी तरह से घबरा गए। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा निकाल लिया, मगर उसके हीरा निकालने से पहले ही उस मगरमच्छ ने शंकर राव का पैर पकड़ लिया और उसे खींचता हुआ पानी के अंदर ले गया। मुझे बचाओ भैया, जल्दी से वो हीरा निकाल लो, नहीं तो ये मगरमच्छ मेरे प्राण ले लेगा। घबराओ मत छोटे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मारुति राव ने उस हीरे को हाथ में लेकर तालाब के अंदर छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही मारुति राव ने एक दूसरे जंगल के अंदर स्वयं को मौजूद पाया। उसने देखा कि वो मगरमच्छ अपने पैरों पर खड़ा हुआ शंकर राव को दबोचे हुए था। ये कैसे संभव हो सकता है? तालाब के अंदर तो पानी है, मगर इस तालाब के अंदर तो एक और जंगल मौजूद है। मुझे इस मगरमच्छ से बचाओ भैया, ये जंगल रहस्य से भरा हुआ है, ये कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि मुझे तो जादुई जंगल लगता है। मारुति राव ने तुरंत वो हीरा मगरमच्छ के सामने निकाल कर रख दिया। हीरे की किरणें मगरमच्छ पर पड़ते ही मगरमच्छ तुरंत एक साधारण मेंढक में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या है, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जंगल के बारे में मैंने सुना तो था, लेकिन ये तो हमारी सोच से भी ज्यादा असाधारण निकला। तभी उस हीरे के अंदर नीले रंग की किरणें फूटने लगी। उस बिजुके ने कहा था कि जब ये हीरा उस असाधारण वस्तु के पास पहुंचेगा, तो ये नीले रंग की रोशनी का प्रकाश छोड़ेगा। देखो ये प्रकाश कहाँ तक जाता है, वहीं पर वो असाधारण वस्तु होगी। तुम सही कहते हो, चलो। कुछ ही देर में वो दोनों प्रकाश का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला बहुत पुराना हीटर रखा हुआ था, जो कि सोने का था। भले इस असाधारण से सोने के हीटर को लाने के लिए उस बिजुके ने हमें इस मौत के दलदल में भेजा। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई खजाना मिलेगा, या फिर हमें कोई ऐसी वस्तु मिलेगी जो हमने आज तक नहीं देखी होगी, मगर ये तो एक साधारण सा हीटर है।
लेकिन इस चमत्कारी हीरे का प्रकाश इस हीटर पर फूट रहा है। हमें उसी को उठाना चाहिए। कुछ ना कुछ बात तो हीटर में जरूर होगी। इतना कहकर उन दोनों ने उस हीटर को उठा लिया। मगर हीटर को उठाते ही उन दोनों ने स्वयं को जंगल से बाहर अपने गांव के समीप पाया। मुझे लगता है कि उस बिजुके ने हमारे साथ मजाक किया है भैया। भला इस साधारण से दिखने वाले सोने के हीटर से हमें कितना मूल्य मिल सकता है? सही कह रहे हो शंकर, बोल तो ऐसे रहा था कि हम इतने धनवान हो जाएंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। शंकर राव और मारुति राव उस सोने के हीटर को लेकर अपने अपने घर पर आ गए और उस बिजुके का बेसब्री से इंतजार करने लगे। मगर काफी दिन बीत जाने के बाद भी कोई असाधारण घटना नहीं हुई। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा शंकर कि आखिर हम क्या करें। उस बिजुके ने कहा था कि उसे ये साधारण वस्तु चाहिए, मगर हम दोनों को इंतजार करते करते काफी समय बीत गया है। मुझे लगता है कि हमें इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आना चाहिए। कुछ दिन और इंतजार करते हैं, अगर वो नहीं आता तो फिर हम इस सोने के हीटर को बाजार में बेच आएंगे। वैसे भी सर्दी कुछ ज्यादा है, क्यों ना इस सोने के हीटर को हम अपने दिनचर्या के काम में इस्तेमाल करने लगे। इससे घर का ही पानी गर्म करते हैं, कुछ तो काम आएगा। 2 दिन हो गए सर्दी के कारण मैं नहाया भी नहीं हूँ, चलो आज गर्म पानी से नहाते हैं। शंकर राव ने एक बाल्टी में पानी भरकर उस हीटर को पानी के अंदर रख दिया, मगर देखते ही देखते वो पूरा पानी सोने का बन गया। शंकर राव चीखता हुआ बोला, अरे भैया यहाँ आओ। अरे क्या हुआ छोटे, इतना चिल्ला क्यों रहा है? उस बिजुके ने सही बोला था बड़े भैया, ये तो वास्तव में एक असाधारण वस्तु निकली और चमत्कारी भी। देखो ये पूरा पानी सोने का बन गया। मारुति राव ने जैसे ही पानी को देखा तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो शंकर, ये पानी तो सोने का बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि सोने के हीटर को हम किसी भी पानी में डालेंगे वो सोने का बन जाएगा। हमारे घर के बगल में एक छोटा सा तालाब है, क्यों ना हम इस हीटर को उस पानी में डालकर देखें। वो दोनों भाई हीटर को लेकर उस छोटे से तालाब के समीप चले गए। जैसे ही उन दोनों ने उस हीटर को उस तालाब में डाला, देखते ही देखते पूरा तालाब सोने का बन गया। सोने का तालाब देखकर चमकी और कंचन का भी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। अरे वो बिजू का तो हमारे लिए वरदान निकला, उसने जो हमसे कहा था वो कर दिखाया। देखते ही देखते हम सब धनवान बन जाएंगे, अपार संपत्ति के मालिक। लेकिन हम शायद एक बात को भूल रहे हैं। उस बिजुके ने कहा था कि असाधारण और अलौकिक वस्तु उसे चाहिए। इससे पहले कि वो बिजुका हमसे उस कीमती वस्तु को मांगने के लिए आए, हमें अधिक से अधिक सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। अरे पहली बार तुमने पते की बात की चमकी, मैं तो तुम्हें मूर्ख और सीधी साधी समझता था, लेकिन तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। उस दिन के बाद मारुति राव और शंकर राव दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं और कहीं भी वो तालाब देखते तो वहाँ उस हीटर को तालाब में डाल देते और पानी से सोना इकट्ठा करके अपने घर ले आते। देखते ही देखते वो दोनों अथाह संपत्ति के मालिक बन गए। कुछ ही महीनों के पश्चात उन दोनों की कोठी आवलापुर गांव में चमकने लगी। मारुति राव और शंकर राव का परिवार अब आवलापुर गांव का सबसे अमीर और रईस परिवार माना जाने लगा। गांव का हर व्यक्ति उन दोनों से बहुत सम्मान पूर्वक बात करता। एक दिन मारुति राव अपनी हवेली के अंदर सो रहा था, मगर सुबह जब वो सोकर उठा तो उसकी पत्नी कंचन हवेली से गायब थी। शंकर जल्दी आओ। अरे क्या हुआ भैया, आप इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे क्या तुमने अपनी भाभी को देखा? नहीं तो। मैंने पूरी हवेली का एक एक कोना छान मारा, लेकिन तुम्हारी भाभी कहीं नहीं मिली। एक अमरनाथ नाम का गांव था, जहां रमन नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था, लेकिन लोग उसको बेवकूफ बनाकर अपना सारा काम करवा लिया करते थे। ऐसे ही एक दिन मोतीलाल, जो कि एक कंजूस सेठ था, वो रमन को बुलाकर कहता है, अरे ओ रमन, जरा इधर आ तो। जी मालिक, क्या हुआ? एक काम कर,
जरा मेरा गोदाम साफ कर दे, बहुत गंदा हो गया है। मालिक, मैं तो खेत पर काम करने के लिए जा रहा था ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। मुझे अपना गुजारा भी तो करना है ना मालिक। अरे तुझे पैसे की क्या जरूरत है, तुझ पर तो माता लक्ष्मी खुद ब खुद मेहरबान हो जाएंगी। आखिर वो कैसे होगा? देख, माता लक्ष्मी ऐसी जगह वास करती है जहाँ साफ सफाई रहती है, तो अगर तू मेरा गोदाम अच्छे से साफ सुथरा और एकदम चकाचक कर देगा तो माता लक्ष्मी तुझसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और खुद चलकर तेरे घर आ जाएंगी। रमन मोतीलाल का काम करना नहीं चाहता था, पर वो मना नहीं कर पाता और उसकी बात मान जाता है। वो अपनी पूरी मेहनत से उसका गोदाम एकदम साफ कर देता है। साफ सफाई करने के बाद वो अपने घर चला जाता है। अरे, आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए, क्या हुआ, खेत पर नहीं गए क्या? ये सुनकर रमन अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी सारी बात जानने के बाद रमन की पत्नी बिगड़ते हुए कहती है, आखिर आप कब तक लोगों की बातों से बेवकूफ बनते रहेंगे, बताइए ना। लोग हमेशा आपको बेवकूफ बनाकर आपसे मेहनत वाला काम करवा लेते हैं और आप बदले में कुछ भी नहीं लेते हैं, ऐसा कब तक चलेगा? मैं क्या करूं? कोई मुझसे कोई काम कहता है तो मैं मना नहीं कर पाता। ऐसे तो हम लोग एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। ये बड़े बड़े लोग कितना फायदा उठाते हैं और आप बस चुपचाप उनका काम करते रहते हैं। कोई बात नहीं कमला, एक ना एक दिन मुझे मेरे कर्म का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वो बात तो आपकी सही है, भगवान तो अपने भक्तों की हमेशा सुनता है, लेकिन हमें भी तो मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अरे तुम बस भगवान पर यकीन रखो, जो होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। लेकिन अभी मैं क्या करूं? घर में खाने को केवल आज रात का ही राशन है, अगर ये भी खत्म हो गया तो कल खाने के लाले पड़ जाएंगे। भाग्यवान, तुम कल की चिंता मत करो, कल मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा, ये मेरा वादा है। आप कहते हैं तो ठीक है, मैं तो भगवान और आपके ही भरोसे जी रही हूँ। तभी उनके दरवाजे पर एक अम्मा आती हैं, कहती हैं, अरे कोई है क्या जो मुझ गरीब की मदद करे? अरे कुछ खाने को हो तो दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। अम्मा आप अंदर आ जाइए। रमन और उसकी पत्नी अम्मा की बहुत खातिरदारी करते हैं। उसके बाद अम्मा देखती हैं कि घर में उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बेटा, तूने सब कुछ मुझे खिला दिया, अब तू और तेरी बीवी क्या खाएंगे? ये सुनकर रमन कहता है, कोई बात नहीं अम्मा, अतिथि तो भगवान समान होता है, तो पहले भगवान को भोजन कराना चाहिए, और वैसे भी हम तो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे, आपका पेट भर गया यही हमारे लिए बहुत है। तुम्हारी ऐसी सेवा भक्ति देखकर मैं तो बहुत प्रसन्न हो गई हूँ, आजकल भला कौन किसी भूखे को खाना खिलाता है, तुम लोग धन्य हो। तब एक रोशनी होती है और देखते ही देखते अम्मा अपने असली रूप में आ जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि धरती माता होती हैं, जो भेष बदल कर रमन के घर आई होती हैं। धरती माता को देखकर दोनों प्रणाम करते हैं। तब धरती माँ उन दोनों को कहती हैं, मैं तुम दोनों के स्वभाव से बहुत खुश हूँ, तुम दोनों बहुत नेक दिल हो, खुद के पास भोजन ना होते हुए भी तुमने एक अनजान को अपना खाना दिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माता, आपने हमें दर्शन दिए, हम तो वैसे ही धन्य हो गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम दोनों का इतना नेक दिल है कि मैं तुम दोनों से बिना मिले नहीं रह पाई, इसीलिए मैं तुम दोनों से मिलने तुम्हारे पास आ गई। तुम दोनों मुझे माँ मानते हो, तो बताओ मैं तुम दोनों के लिए क्या कर सकती हूँ? मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं खेती करके अपना गुजारा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खेती करने के लिए कोई जमीन नहीं है और ना ही इतना धन है कि मैं खेती करने के लिए बीज या खाद की व्यवस्था कर सकूं। मैं तो बस चाहता हूं कि मैं खेती करके इतना कमा सकूं ताकि ना मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे घर से कोई भूखा जाए। ये सुनकर धरती माँ बहुत खुश हो जाती है और रमन को एक मंत्र बताती है, चंद्र आगमन धरती माँ कृषि जागमन, जब जब तुम ये मंत्र पढ़ोगे तब तब तुम चांद पर पहुंच जाओगे और तुम वहां जाकर किसी भी चीज की खेती कर सकते हो,
वहाँ का वातावरण हर तरह की खेती करने में तुम्हारी मदद करेगा, और साथ ही साथ वह खेती करने के लिए तुम्हें केवल उस जगह की भूमि को जोतना है। बाकी उस भूमि में जिस भी चीज की खेती करनी हो उसका नाम लेते चले जाना और वो होती चली जाएगी। वहाँ तुम जिस भी चीज का नाम लोगे वो खेती अपने आप उगना शुरू हो जाएगी। तुम केवल उस खेती का पूरा ध्यान रखना और सही समय आने पर अपनी खेती से अपना व्यापार शुरू करना। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ पुत्र, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी खेती तुम करो उससे बाकी लोगों का भी भला होना चाहिए। अपने से पहले हमेशा दूसरों की मदद करने का सोचना, वरना हो सकता है ये मंत्र काम ना करे। ये कहकर माता वहाँ से गायब हो जाती हैं। इसके बाद वो दोनों उस मंत्र को एक बार पढ़ते हैं। चंद्र आगमन धरती माँ कृषि जागमन, चंद्र आगमन धरती माँ कृषि जागमन। जैसे ही दोनों मंत्र पढ़ते हैं तो वो पाते हैं कि अब वो दोनों चांद पर हैं। पर फिर सोचते हैं कि वो किस चीज की खेती करें। तो बहुत सोचने के बाद रमन कहता है, क्यों ना हम लोग सूरज की खेती करें, क्योंकि आज भी बहुत से गांव के लोग ऐसे हैं जो खेती करते हैं पर उनको ठीक प्रकार से सूरज की किरणें नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण उनकी फसलें खराब हो जाती हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे गांव व शहर हैं जहां पर किसानों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उनको सूरज बेच देंगे अपनी फसलों को कई प्रकार का फायदा पहुंचा पाएंगे, जिससे उनकी फसलें बहुत अच्छी होंगी और इससे हमें भी मुनाफा होगा। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सोचकर दोनों चांद पर सूरज की खेती करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही दिनों में उसमें बहुत सारे सूरज दिखाई देते हैं। धरती माँ ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ है, देखो कितने सारे सूरज निकल आए हैं। वो लोग धरती पर आ जाते हैं और पूरे गांव में सबको बता देते हैं कि जिनको भी सूरज चाहिए वो कुछ पैसों में ही सूरज खरीद सकते हैं। इस पर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और सूरज खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। रमन, मैंने सुना है तुम सूरज बेच रहे हो, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? दिखाओ तो जरा। हाँ अभी दिखाता हूँ। रमन उस गांव वाले को सूरज दिखाता है तो वो हैरान रह जाता है और कहता है, अरे बाप रे, ये तो सच में छोटा सा सूरज है। अब इस गांव में किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, अब किसी को भी खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सूरज निकले या ना निकले। रमन के घर के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। रमन सभी लोगों को सूरज बांट रहा होता है और सभी लोग सूरज ले जाकर अपने खेतों में लगा रहे होते हैं, जिससे उनकी फसलों को अच्छी तरह से प्रकाश मिल रहा होता है, उनकी फसलें अच्छी होने लगती हैं। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि रमन इतना समझदारी वाला काम कर सकता है, रमन ने तो हम सबको भौचक्का कर दिया। इधर रमन काफी मशहूर और अमीर हो जाता है, उसके पास बहुत सारा धन होता है। अब ये सब मोतीलाल को भी पता चलता है। मोतीलाल ये सब देखकर बहुत जलने लगता है। ये दो कौड़ी के रमन ने ऐसा कौन सा काम किया है जो इतना मशहूर और अमीर हो गया? इसके यहाँ किसी को भेजकर पता लगाना होगा। वो अपने एक आदमी को रमन के यहाँ नौकरी पर लगवा देता है। उसका आदमी देखता है कि रमन कैसे एक मंत्र पढ़ के चांद पर चला जाता है और वहाँ बहुत सारे सूरज लेकर वापस आ जाता है। मोतीलाल ये सब देख के समझ जाता है कि ये सब एक मंत्र के कारण हो रहा है। अगर ये मंत्र मुझे पता चल जाए तो मैं भी चांद पर जाकर सूरज की खेती के साथ और अनेक खेती कर सकूंगा, जिसके बाद मैं रमन से कहीं ज्यादा मुनाफा कमा सकूंगा और बहुत अमीर हो जाऊंगा। इस दो कौड़ी के रमन को कोई हक नहीं है इतना अमीर होने का। मोतीलाल ये सब सोच करके रमन के घर के बाहर चुपचाप देख रहा होता है कि रमन कौन सा मंत्र पढ़ रहा है। देर रात रमन एक बार फिर मंत्र पढ़कर चांद पर जाता है, लेकिन इस बार ये मंत्र मोतीलाल भी सुन लेता है। अच्छा,
तो एक मंत्र के चलते इतना उड़ रहा है रमन। अब मैं भी चांद पर जाऊंगा और इससे ज्यादा मशहूर और अमीर होकर दिखाऊंगा। मोतीलाल वही मंत्र पढ़ता है जिससे वो भी चांद पर पहुंच जाता है और वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे सूरज की खेती हो रही है। अब मैं हीरे की खेती करूंगा और रमन से कहीं ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। मोतीलाल एक अलग सी जगह ढूंढता है। उस जगह जाकर वो हीरे की खेती करना शुरू कर देता है। फिर आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वहाँ पर हीरो का खेत बहुत बढ़िया हो जाता है। अपने हीरो की फसल को लहलहाता देखकर मोतीलाल मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। अरे वाह, अब तो मेरे पास हीरो का खेत हो गया। अब देखो मैं कितना अमीर हो गया। मैं दुनिया में जो चाहूं वो खरीद सकता हूं। चलो अब धरती पर चलकर इसे लोगों को बेचने के लिए कहीं घूमता हूं। इतना कहकर मोतीलाल वो मंत्र पढ़ता है पर वो मंत्र कुछ भी काम नहीं करता। ये देख के मोतीलाल बहुत डर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है? ऐसे तो मैं यहीं चांद पर फंसा रह जाऊंगा। चांद पर मोतीलाल को सबक मिल चुका था कि आधी अधूरी जानकारी कितनी खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो रोने लगता है। तभी अचानक से चांद पर धरती माता को देख के मोतीलाल उनके पैरों में गिर जाता है। तब धरती माँ उससे कहती है, ये तुम्हारा लालच है जिसने तुम्हें यहाँ चांद पर फंसा दिया है। अगर तुमने लालच नहीं किया होता तो तुम अभी आराम से अपने घर पर बैठे होते। माता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मेरा लालच मुझे यहाँ पर लाकर फंसा देगा। और मैं आज के बाद कभी भी लालच नहीं करूँगा, हमेशा लोगों की मदद करूँगा। धरती माँ उसकी बातों को मान लेती है और उसे माफ कर देती है। वो उसे धरती पर वापस ले आती है। मोतीलाल रमन के पास जाकर अपने किए की माफी मांगता है। रमन उसे माफ कर देता है। उसके बाद दोनों मिलकर गरीब लोगों के लिए खेती करना आसान बनाने की कोशिश करने लगते हैं। उनके गांव का बहुत अच्छे से विकास होने लगता है और अमरनाथ धीरे धीरे बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। सीताराम गांव में आलू टिक्की और गोलगप्पे बेचता था। उसकी आलू टिक्की और गोलगप्पे दूर दूर तक फेमस थे। आइए आइए, गरम गरम आलू टिक्की और ठंडे ठंडे गोलगप्पों का मजा लीजिए। आइए आइए। सीताराम के दो बेटे थे, मालू और चमन। मालू जहाँ मेहनती और ईमानदार था, वही चमन आलसी और चालाक था। मालू और चमन, बाजार चले जाओ, आलू की बोरी और बतासे खरीद कर ले आना। पिताजी आज मेरा पेट ठीक नहीं है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मालू तू बाजार जा और सामान खरीद कर ले आ। कुछ साल बाद जब सीताराम बूढ़ा और बीमार हो गया तो कारोबार के बंटवारे की बात आई। सीताराम ने आलू टिक्की का कारोबार मालू को सौंप दिया और गोलगप्पे का कारोबार चमन को सौंप दिया। मालू और चमन, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैंने कारोबार के बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया है। तुम दोनों अपना अपना कारोबार खूब मन लगा कर करना। मेरी इच्छा है बेटों कि मैं तुम दोनों की शादी एक साथ एक मंडप में ही करूं। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। दोनों बेटों मालू और चमन की शादी तय कर दी गई। मालू की बहू का नाम पुष्पा था और चमन की बहू का नाम विमला। मालू ने अपनी आलू टिक्की की दुकान संभालनी शुरू कर दी। उधर चमन घर पर आराम करता या दोस्तों से गप्पे लड़ाता और उसकी पत्नी गोलगप्पों की दुकान संभालती। आलसी चमन भले ही दुकान पर काम ना करता हो लेकिन दूसरों की जमीन जायदाद हड़पने के मामले में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। चमन मालू का कारोबार हड़पने के बारे में सोचने लगा। इस मामले में उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया। किसी तरह मालू की आलू टिक्की का धंधा हमारे हाथ लग जाए तो मजा ही आ जाए। बैठे बैठे दिमाग ही चलाते रहोगे या कुछ करोगे भी? चमन को पता था कि मालू हर रोज सुबह आलू की बोरी लेने मोटरसाइकिल से बाजार जाता है।
चमन ने एक रात चुपचाप मोटरसाइकिल के ब्रेक्स फेल कर दिए। अगले दिन मालू तेज स्पीड में गाड़ी चला रहा था, ब्रेक्स नहीं लगे और उसका एक्सीडेंट हो गया। इसी समय चमन ने मालू की दुकान को अपने कब्जे में ले लिया। मालू की बहू पुष्पा हॉस्पिटल में व्यस्त रह गई, वो कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ से लगाती। पुष्पा ने अपने ससुर से कहा, पिताजी आप एक बार चमन भाई साहब से कह दीजिए कि वे हमारी दुकान छोड़ दें, मैं हॉस्पिटल में अपने पति को संभालूं या चमन भाई साहब पर केस ठोककर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊं। मालू के इलाज के लिए डॉक्टर ने 1,00,000 रुपए मांगे हैं, मैं उनका इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। चमन मेरी एक नहीं सुनता बेटी, मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मेरे हाथ से निकल चुका है, लेकिन उसे अपने बुरे कर्मों का फल कभी ना कभी जरूर चुकाना होगा। तो पिताजी मैं तो इस तरह सड़क पर आ जाऊंगी, आज चमन भाई साहब ने दुकान छीनी है, कल वो हमारा घर भी छीन लेंगे। दरवाजा बंद करो बहू, मैं तुम्हें एक गुप्त जानकारी देना चाहता हूँ। बहू ने दरवाजा बंद किया, तब सीताराम ने उससे कहा, मेरे पास एक 5 बीघे का खेत है, ये खेत मैंने ऐसे ही समय के लिए बचा कर रखा था, मैंने अपनी वसीयत में वो 5 बीघा खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम चाहो तो वहीं पर झोपड़ी डालकर भी रह सकती हो। सीताराम ने पुष्पा बहू को खेत का पता बता दिया, ये एक गोभी का खेत था। चमन को कुछ पता ना लगे इसलिए पुष्पा चुपचाप ही कुछ सामान लेकर खेत पर चली गई। पुष्पा बहुत मेहनत से गोभी की फसल उगाने लगी, बाकी समय हॉस्पिटल में जाकर अपने पति की देखभाल करती। वैसे तो पुष्पा के खेत की गोभी शहर की मंडी में जाती थी और फिर लोगों के पास जाती थी, लेकिन धीरे धीरे शहर से लोग सीधे गोभी लेने पुष्पा के पास आने लगे। बहन जी आपके खेत की गोभी बहुत स्वादिष्ट बनती है, मुझे 5 किलो गोभी दे दीजिए। 10 किलो गोभी मुझे भी चाहिए और 10 किलो कल लेने आऊंगा, तैयार रखिएगा। शहर से आए लोगों की वजह से पुष्पा की अच्छी कमाई होने लगी। अगर इसी तरह कमाई होती रही तो मैं 1,00,000 रुपए इकट्ठे कर लूंगी, फिर मेरे पति का इलाज हो जाएगा। एक दिन पुष्पा जब सुबह सुबह अपने खेत पर गई तो वहाँ एक विशाल राक्षस मौजूद था। मैं चंद्रमा से आया हूँ, सुना है तुम्हारी गोभी बहुत स्वादिष्ट होती है, तुम मुझे और मेरे भाइयों को गोभी बनाकर खिलाओ। मेरे पास तुम्हें गोभी बनाकर खिलाने का टाइम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। मैं जो ऑर्डर देता हूँ उसे पूरा करना होता है। राक्षस ने पुष्पा के खेत की 10 किलो गोभी और पुष्पा को उठाया और उड़ाकर चंद्रमा पर ले गया। पुष्पा ने देखा चंद्रमा पर और भी राक्षस मौजूद है। जल्दी से गोभी की सब्जी और पूड़ियां बनाओ, जितनी जल्दी अपना काम खत्म कर लोगी उतनी जल्दी मैं तुम्हें पृथ्वी पर छोड़ आऊंगा। तुम समझते क्यों नहीं, पृथ्वी पर मेरे पति बीमार है। ज्यादा बकबक मत करो, जल्दी से ऑर्डर पूरा करो। पुष्पा ने मजबूरी में गोभी की सब्जी और पूरियां तैयार की, राक्षसों ने खूब छक कर खाया। वाह बेटी पुष्पा, मजा आ गया, तेरी गोभी वाकई बहुत स्वादिष्ट है, हम राक्षस लोग मिलकर तुझे कुछ देना चाहते हैं। राक्षसों ने पुष्पा को एक जादुई दीवार और चांद पर जमीन का एक टुकड़ा दिया। इस दीवार में घुसकर तुम चांद पर जा सकती हो, चांद पर हमने तुम्हें जमीन दी है, तुम उस जमीन पर खेती कर सकती हो, हमारे पास ढेर सारा सोना भी है, तुम चाहो तो सोना ले जा सकती हो। पुष्पा ने सोना लेने से इनकार कर दिया, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाती हूँ। राक्षस पुष्पा की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुए। राक्षस द्वारा दी गई दीवार का प्रयोग करके पुष्पा अपने घर लौट आई। घर आकर उसे पता लगा कि चमन ने उसके गोभी के खेत पर भी कब्जा कर लिया है। तुझे क्या लगता था पुष्पा कि तू खेत को मुझसे छुपा लेगी, मेरे कान बहुत दूर की सुन लेते हैं। जब गोभी का खेत भी छिन गया तो पुष्पा निराश नहीं हुई और ना ही कोर्ट कचहरी गई, क्योंकि उसके पास चांद पर खेत था।
पुष्पा जादुई दीवार से रोजाना चांद पर जाती और खेत में गोभी उगाती। पुष्पा ने 1,00,000 रुपए इकट्ठे कर लिए और अपने पति मालू का इलाज करा लिया। लेकिन किसी तरह चमन को पुष्पा की जादुई दीवार और चांद पर खेती के बारे में पता लग गया। चांद पर खेती? मैं भी चांद पर जरूर जाऊंगा और ढेर सारी जमीन पर खेती करके खूब सारे पैसे कमाऊंगा। एक रात जब पुष्पा के घर पर सब लोग सो रहे थे तो चमन पुष्पा के कमरे में घुस गया और जादुई दीवार से चांद पर पहुंच गया। उस समय सारे राक्षस सो रहे थे और राक्षसों के पास ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था। सोने को देखकर चमन के मन में लालच आ गया। उसने बोरियों में सोना भरा और ले जाने लगा। लेकिन तभी राक्षसों का सरदार जाग गया। अरे भाइयों उठो, ये आदमी हमारा सोना चुराने आया है। मुझे माफ कर दो, मैं ये सोना यहीं रख देता हूँ। तुझे माफी नहीं मिलेगी, तूने पुष्पा पर खूब अत्याचार किए हैं, मैं तुझे कुत्ता बना दूंगा। राक्षसों ने चमन को एक कुत्ता बना दिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया। चमन कुत्ते के रूप में जब घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसे डंडा मारकर घर से बाहर भगा दिया।